हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लास्ट टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज 6.4। चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि डिवीजन मेथड से कैसे आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में हमने पढ़ा था फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाई एंड विच शुड बी डिवाइडेड। तो याद कीजिए वहां पे हम क्या कर रहे थे। यस, वहां पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था उन नंबर्स का। बट यहां पे याद रखिएगा विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड एंड विच नंबर शुड बी एडेड। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तब हम डिविजन मेथड का यूज करेंगे। अंडरस्टूड? सो ये हिंट आपको याद रखना है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दोनों नंबर मैंने आपके एग्जांपल लिए, बाकी आपको करना है। इन दोनों का क्या करना है, सबसे पहले वो नंबर पता करना है जिसमें से सब्ट्रैक्ट करके वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या करेंगे, जब भी सब्ट्रैक्टेड वाला आएगा क्वेश्चन तो इसका हमको डिविजन मेथड निकालना है। डिविजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, पेयर बना लेते हैं 2, 2। डिविजन मेथड आपको आ चुका होगा आपका 2, 2 जो 4 माइनस 0 पूरा पेयर उतारिए 0, 2। इन दोनों को करते हैं प्लस, एक नंबर इधर एक नंबर इधर, सेम नंबर वहां पे। देखिए 1, 1 करेंगे 41 ज्यादा होता है, 0, 0 टाइम्स, सो इट इज 2। अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो हमने ये देखा कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, इस बार 2 बच रहा है। सो जो रिमाइंडर बचता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, 2 इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किसमें से 402 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इसको क्या बना देंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो 2 इज द आंसर। तो यहां तक आपका आंसर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट नंबर सो ऑब्टेन। तो न्यू नंबर क्या बनेगा आपका, देखिए न्यू नंबर जो आपका 402 है उसमें से कितना माइनस कर लीजिए 02। सो व्हाट इज द आंसर, 400। अब इस 400 का क्या बोला, स्क्वायर रूट भी निकालना है। 400 का स्क्वायर रूट अब आपको निकालने की जरूरत नहीं, जो ये आंसर है वही। सो 20 इज द आंसर। तो है ना इजी। तो सब्ट्रैक्शन में क्या याद रखना है, जो रिमाइंडर बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे आइए एक और करके देख लेते हैं। 3, 2, 5, 0 पेयर बना लीजिए, पेयर 32 याद कीजिए, 32 का स्क्वायर पढ़ते हैं, 5, 5 जो 25, 6, 6 जो 36 ज़्यादा हो रहा है। क्या लिखेंगे, 5, 5 एंड 5 हाउ मच 25 माइनस कीजिए 7 पेयर पूरा बता लीजिए 50। इन दोनों को करते हैं प्लस, जो नंबर यहाँ पे वही नंबर यहाँ पे। यस, देखते हैं 7, 7, 7, 7, 7, 49, 7, 49 माइनस कीजिए, कितना आएगा माइनस करके 1। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यस 1। तो क्या लिखेंगे, 1 इज द स्मॉलेस्ट या लीस्ट लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड कहां से, किसमें से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, 2, 5, 0 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। उसको क्या बना देगा, वो परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। सो न्यू नंबर कैसे निकालेंगे, न्यू नंबर इज इक्वल टू जो आपका क्वेश्चन था 3, 2, 5, 0 माइनस 1 3, 2, 4, 9। अब इसका भी क्या चाहिए आपको, स्क्वायर रूट चाहिए जो नया नंबर आया। तो कितना आएगा स्क्वायर रूट, 57। दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट आपको समझ आया, जब भी सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन होंगे क्या करेंगे, डिविजन मेथड। जब भी एडिशन वाले क्वेश्चन होंगे क्या करेंगे, डिविजन मेथड। आइए अब करते हैं एडिशन वाले क्वेश्चन। सो देखा स्टूडेंट आपने क्वेश्चन कितने इजी है सब्ट्रैक्शन वाले, उसी प्रकार से आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लीस्ट नंबर वी शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाना है इसमें भी, पर इस बार क्या चाहिए आपको, ऐड करना है कुछ नंबर्स में। तो मैंने क्या बोला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी आएंगे कौन सा मेथड, डिविजन मेथड। आइए स्टार्ट करते हैं। 1, 7, 5, 0 पेयर बताइए 17 किसके स्क्वायर, यस 4, 4 जो 16 5, 5 से ज्यादा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 4, 4 एंड 4 4, 4 16 माइनस कीजिए 1 पूरा पेयर उतारिए 50
दोनों का प्लस 8, यहाँ पे एक नंबर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जीरो से परफेक्ट पता नहीं चल, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमको लास्ट वाला नंबर नहीं बताएगा, तो हमको आइडिया से करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 81 टू 160 से ऊपर होगा, सो इस मीन्स क्या ले लेंगे 111, सो हाउ मच 81, यस। माइनस कीजिए 9 and 6, सो अगर ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन होगा होता है तो व्हाट इज व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड 69, बट एडिशन में आप ध्यान से देखिए एडिशन में क्या करते हैं। एडिशन में स्टूडेंट जो आप पे 41 आया है, 41 से जस्ट एक बड़ा, सो क्या लेंगे 42 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, पहला स्टेप जो नंबर आपका ऊपर आएगा उससे एक ज्यादा का स्क्वायर करेंगे। 42 का स्क्वायर 42 into 42, 224 428 1764 1764। क्या किया हमने, 41 से एक बढ़ेगा, हमने क्या लिए स्क्वायर लिए। अब नंबर शुड बी एडेड, क्या एडेड करेंगे टू मेक इट, टू मेक 1750 अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके लिए क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, जो आपका 42 का स्क्वायर आया उसमें से आपके क्वेश्चन को माइनस कर दीजिए। वापस से देखिए क्या बोला मैंने, जो आपका नेक्स्ट उससे जस्ट बड़े नंबर का स्क्वायर आया उसमें से आपके क्वेश्चन को माइनस कर दीजिए, कितना 14, सो 14 इज द लीस्ट नंबर वी शुड बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, यस। सो न्यू नंबर क्या बनेगा आपका 1764, सो 1764 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 42, ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया, इसमें भी करने की जरूरत नहीं आपको, समझ आया आपको, एक और करते आपको और क्लियर हो जाएगा। आइए सबसे पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, पेयर पेयर 64, यस 8 8 8, हाउ मच 64, माइनस कीजिए 0 12 एज इट इज कैरी, प्लस कीजिए 16 1 1। अब देखिए 16 अगर 1 रखूंगा तो 161 ज्यादा हो रहा है क्योंकि 12 है यहाँ पर, तो क्या लगेंगे यस 0, सो 0, यस। तो क्या नंबर है आपका 80, क्या करेंगे अगला स्टेप, यस उसके जस्ट बड़ा नंबर 81 का स्क्वायर कर लीजिए, सो 81 का स्क्वायर कर लीजिए 81 into 81 1 16 1 65 6561 6561। फिर मैंने क्या बताया कैसे करना है, नंबर शुड बी एडेड टू मेक, किसको बनाना है टू मेक 6412 अ परफेक्ट स्क्वायर, कितना जो आपका अभी आया 81 का 6561 में से किसको माइनस 6412 को माइनस कर लीजिए, 6561 में से 6412 को माइनस कीजिए 9 4 149 is the least number we should be added to make 6412 a perfect square. अब तो नया नंबर क्या बनेगा आपका 6561, yes obviously यही नंबर बनेगा 6561, so उसका square root कितना होगा 81 is the answer। So students समझ आया आपको, subtraction और addition वाले जब भी question होंगे तो क्या करेंगे, yes डिविजन मेथड से आंसर निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन में जो रिमाइंडर होता है वही आंसर होता है, बट एडिशन में उसका जस्ट बड़े नंबर का क्या करना है स्क्वायर करना है और उसमें से आपके क्वेश्चन को क्या कर देना माइनस, दिस इज द सिंपल मेथड। स्टूडेंट कुछ वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसकी आपको क्या निकालनी है साइड की लेंथ निकालनी, जिसका एरिया आपको गिवन है, लिख लेते हैं क्या गिवन है आपको, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हाउ मच 441 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट एरिया ऑफ स्क्वायर याद होगा आपको, साइड इंटू साइड बोलते थे या साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 441। अब बताइए स्क्वायर जब भी हटेगा, पढ़ा चुका हूं मैं, क्या लगेगा सामने पे स्क्वायर रूट लगेगा, यस बिकॉज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा 441। अब स्टूडेंट 441 का स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपके पास कितने तरीके, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए या डिवीजन मेथड, तो हम लोग डिवीजन मेथड कर लेते हैं फटाफट से, 441 पेयर बना लीजिए
वैसे भी हमको 441 का टाइम पता भी है क्योंकि हमने 25 तक याद कर चुके हैं। 2 2 2 4 0 41 प्लस कर लीजिए 4, बताइए क्या आएगा? यस 1, सो 41। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 441? यस 21 मीटर इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। दिस तो याद क्या रखना है आपको, याद ये रखना है कि जब स्क्वायर हटेगा तो सामने पे क्या लगता है? स्क्वायर रूट। और कभी स्क्वायर रूट हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा? स्क्वायर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, बना लेते हैं राइट ट्राइंगल। यस हमें पता है राइट ट्राइंगल कैसा होता है। यस सर, कितना डिग्री? 90। कहाँ पे 90 है? बी पे। दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी। ओके स्टूडेंट, नाउ देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। ए बी इज 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड ए सी। आपको ये ए सी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट याद कीजिए, जब भी 90 डिग्री होता था एक हमने क्या पढ़ा, याद है कुछ? यस पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस रूल। तो हम क्या बोलेंगे, देखिए जब भी राइट ट्राइंगल होगा, इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी कितना डिग्री? 90 डिग्री, यूजिंग पाइथागोरस पी वाई टी एच ए जी ओ, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है या पाइथागोरस रूल क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यस 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं आप? हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। लीजिए स्टूडेंट, सो हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिखेंगे हम? ए सी स्क्वायर, बिकॉज ए सी है उसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 6 6 36, 8 8 64 ए सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अभी मैंने आपको बताया जब भी स्क्वायर हटेगा सामने क्या लगेगा? यस स्क्वायर रूट। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 100? हमको डायरेक्टली पता है कितना? 10। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सी? इज 10 सेंटीमीटर। 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल सेम टाइप फिगर, एंगल बी 90 डिग्री, ए सी, इस बार आपको ए सी दे रखा है 13 सेंटीमीटर, दिस वन। इसका मतलब आपको क्या दे रखा है इस बार? हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है। बी सी, बी सी आपको दे रखा 5 सेंटीमीटर, इसको बेस ले लेते हैं। और इस बार आपको क्या निकालना है? यस यू हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर। यस पहले पुट कर लीजिए, वही सेम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, इस बार है आपकी 13 स्क्वायर। परपेंडिकुलर पता नहीं आपको, मतलब आपको ए बी फाइंड आउट करना है प्लस B 5 स्क्वायर। सो 13 स्क्वायर 169, AB स्क्वायर प्लस 25। स्टूडेंट AB यू हैव टू फाइंड, सो 25 कहाँ आएगा? यस लेफ्ट हैंड साइड, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। सो माइनस करेंगे 144 AB स्क्वायर। स्टूडेंट स्क्वायर हटेगा क्या करेगा? यस क्या लगेगा? स्क्वायर रूट। बताइए स्टूडेंट 144 का स्क्वायर रूट? यस 12। सो व्हाट इज ए बी? 12 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ साइड ए। और अगर आपको 144 का नहीं आता तो आपके पास 3 मेथड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए क्योंकि छोटा नंबर है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से भी आ सकता आंसर, या डिवीजन मेथड जो आपको सूटेबल लगता है उससे आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, वर्ड प्रॉब्लम। अब कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी टाइप का वर्ड प्रॉब्लम है? एडिड है, सब्ट्रैक्टेड है, मल्टीप्लाइड है या डिवाइडेड है? आइए देखते हैं। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, हाउ मेनी प्लांट्स? 1000। ही वांट टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ये तो हमने पहले भी पढ़ा 6.2 में, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर है इसका मतलब उसको क्या बनाना है? स्क्वायर तो बनाना है। इसका मतलब उसको क्या बनाना? परफेक्ट स्क्वायर बनाना। चलो देखते हैं आगे, रिमेन से इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना। आगे बढ़िए, ये बताएगा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम मतलब लीस्ट, अभी देखिएगा, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ प्लांट ही नीड्स मोर, मोर का मतलब बताइए स्टूडेंट, मोर का मतलब एडेड। यस तो कौन सा क्वेश्चन हो गया ये? एडेड वाला जो अभी हमने किया था, तो क्या कर रहे हैं एडेड वाले में? हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स लिख लीजिए, हमारे पास है 1000 प्लांट्स। 1000 प्लांट्स का क्या निकालेंगे? यस 1000 का क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे इसका डिवीजन मेथड, करिए 3 3 3 9 1 0 0 प्लस कीजिए 6,
क्योंकि टू टाइम्स करेंगे तो 120 समथिंग हो जाएगा. सो वन टाइम वन सो 61 हाउ मच 39. अब स्टूडेंट बट कौन सा है मोर ज्यादा चाहिए तो एडेड वाले में. अब एडेड वाले में क्या करते थे हम 31 जो आया तो उसके आगे एक और नंबर क्या होगा 32 का स्क्वायर 1024 होता है स्टूडेंट 32 का स्क्वायर. यस 32 के स्क्वायर के बाद हम क्या करते थे लीस्ट क्वेश्चन लिख लीजिए जो पूछा लीस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस कैसे निकालेंगे. यस जो आपका 1024 का आया उसमें से आपके क्वेश्चन को माइनस कर दीजिए 1000. सो हाउ मेनी मोर प्लांट्स ही नीड्स यस 24 प्लांट्स ही नीड्स मोर. बट इसमें एक और क्वेश्चन अगर इसी में ये पूछता है कि हाउ फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही हैज टू लेफ्ट आउट कितना हटा देगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो तब हटा देगा मतलब माइनस वाला तो तब आंसर क्या हो जाएगा 39. दोनों क्वेश्चन एक साथ में तो समझ आया आपको. क्वेश्चन पढ़िए आराम से आपको अपने आप बता देगा कि एडेड है या सब्ट्रैक्टेड है. तो एडेड सब्ट्रैक्टेड में क्या करेंगे डिविजन मेथड और मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले में यस प्राइम फैक्टराइजेशन. आइए लास्ट क्वेश्चन एक बार करते हैं. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9. आ जाइए देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 500. फॉर अ पीटी ड्रिल यहाँ पे पीटी हो रही है उसके लिए ड्रिल के लिए वहां पे जो स्टैंड कर रहे हैं बच्चों को कैसे रख रहे हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब जितने रोज होंगे उतने कॉलम में बच्चों को खड़ा करना. इसका मतलब क्या बनेगा यस परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. तो कभी आप ड्रिल्स में भी देखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर टाइप का ही बनता है जितने रोज उतने ही कॉलम में खड़े किया जाए. अगर हमको ये पता चल गया कि परफेक्ट स्क्वायर अब परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन हमने कितने किए चार टाइप के मल्टीप्लाई डिवाइड एडिट और सब्ट्रैक्टेड. अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा वाला है हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट. बताइए लेफ्ट आउट को क्या बोलते हैं निकाल देना मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना जो सेट नहीं हो रहेंगे स्क्वायर्स में उनको कितने बच्चों को लेफ्ट आउट कर देंगे फ्रॉम दिस अरेंजमेंट. तो सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन है तो यस इसका डिविजन मेथड स्टार्ट करते हैं डिवीजन मेथड. सो 224 दिस इज 2 1 204 टू टाइम्स 484 व्हाट इज द आंसर 16. अब आपको याद हो सब्ट्रैक्शन वाले में क्या आंसर होता है यस दिस इज योर आंसर. सो हाउ मेनी स्टूडेंट आर लेफ्ट आउट 16 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट. इस अरेंजमेंट में अगर आपको लगाने हैं तो स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा आपको लेफ्ट आउट करना पड़ेगा. दिस इज योर आंसर. तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने कैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का यूज करके बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम का भी हमने सॉल्यूशंस निकाले. तो स्टूडेंट मेन आपको इस पूरे चैप्टर में एक डिवीजन मेथड आपको याद रखना है फैक्टराइजेशन मेथड क्योंकि ये आपके 10th क्लास तक और आगे भी भविष्य में काम आते रहेंगे. सो स्टूडेंट वीडियो को इसी प्रकार से लाइक करते रहिए शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.